देखिए प्रभास की कल की फिल्म इतनी अच्छी होने के बाद भी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है, अब इसका रीजन क्या है? और सबसे बड़ी बात, कल की फिल्म हिट हुई है या फिर फ्लॉप? तो चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब। देखिए कल की फिल्म की बात करें तो ये डिस्टोपियन एंड साइंस फिक्शन मूवी है और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम नया था, मतलब इंडियन सिनेमा में पहली बार ऐसी फ्यूचरिस्टिक मूवी बनाई गई है। और यही नहीं, कल की 2898 AD इस मूवी में हाई लेवल का ग्राफिक्स, VFX, CGI और एक नए तरह की स्टोरी को प्रेजेंट किया था। और जो लोग ये कह रहे थे कि हॉलीवुड मूवीज के ग्राफिक्स, VFX और CGI ऐसी होती है कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडियन सिनेमा में एक ऐसी फिल्म है जो हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकती है और वो है कल की 2898 AD। वैसे कल की फिल्म में हॉलीवुड फिल्म के लेवल की VFX तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बेटर था, इनफैक्ट आदि पुरुष से कई ज्यादा बेटर था। और इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिशा पटनी और कमल हसन जैसे बेहतरीन एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया है, मतलब बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों से ही बेहतरीन एक्टर को लिया गया है इस फिल्म में। और कल की फिल्म देखने के बाद आपको एवेंजर्स मूवीज की याद जरूर आई होगी, क्योंकि कल की फिल्म में काफी सारे सीन्स एवेंजर मूवी से इंस्पायर है। वैसे मानना पड़ेगा कि नाग अश्विन ने एक नए तरह की मूवी बनाई है इंडियन सिनेमा में। और सबसे बड़ी बात, कल की फिल्म में एक फ्यूचरिस्टिक कार का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है बुज्जी। देखिए इस कार को स्पेशल इस फिल्म के लिए डिजाइन किया गया था और बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत 7 करोड़ है। वेल एक बात तो माननी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया किसी से कम नहीं है। वेल दोस्तों ये थी इस मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताया है। चलिए अब बात करते हैं कि लोगों ने इस फिल्म को इतने नेगेटिव रिव्यूज क्यों दिए। देखिए काफी सारे लोगों को ये मूवी पसंद आई है, लेकिन कुछ लोगों को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई है, क्योंकि ऑडियंस को इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लगी है। और एक रीजन ये भी है कि इस फिल्म में एक्शन सीन्स ओवररेटेड थे, यानी कि हद से ज्यादा एक्शन सीन्स थे इस फिल्म में। और यही नहीं, काफी सारे लोगों ने इस फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज भी दिए है। बहुत ही स्टाइलिश मूवी थी भाई, एकदम द पीपल हु आर टेलिंग ऑल ग्रेट मूवी बट इट वाज होपलेस अंडर पिक्चर कुछ ने सब महाभारत। वैसे कल की फिल्म में 80% से ज्यादा मेकर्स ने एक्शन सीन को दिखाया है, और मैंने अपने पिछले कई सारी वीडियो में कहा है कि आजकल की फिल्मों में रोमांटिक और कॉमेडी सीन्स ना के बराबर है। अगर आपको कुछ देखने को मिलेगी वो है सिर्फ एक्शन, एक्शन और एक्शन। आई थिंक मेकर्स को इस मूवी के एक्शन सीन्स थोड़े कम करना चाहिए था। वेल दोस्तों कल की फिल्म अच्छी है या फिर बुरी, और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है या फिर फ्लॉप। देखिए कल की फिल्म का बजट है 600 करोड़। अब इतना ज्यादा बजट इसीलिए है क्योंकि कल की फिल्म की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में हुई है, और कल की फिल्म एक साइंस फिक्शन मूवी है तो ऑब्वियसली इस मूवी का सेट भी काफी महंगा होगा। वेल फिर भी हम कल की फिल्म के बजट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आदि पुरुष का VFX से लेके स्टोरी तक सब बकवास था। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन्होंने 600 करोड़ लगाया कहाँ है। वेल बैक टू टॉपिक, ये जैसे कि ऑडियंस को पता चला है कि कल की फिल्म एक साइंस फिक्शन और डिस्टोपियन मूवी होने वाली है तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, यहाँ तक कि प्रभास के फैंस भी काफी एक्साइटेड थे इस फिल्म को लेके। और कल की फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पे 95 करोड़ का कलेक्शन किया था। और यही नहीं, कल की फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड पे सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि मात्र 6 दिनों में कल की फिल्म ने 570 करोड़ कलेक्शन किया था, जबकि सलार फिल्म का टोटल कलेक्शन था 610 करोड़। और कल की फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 900 करोड़ का, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही है। अगर कल की फिल्म 600 और 700 करोड़ का कलेक्शन कर लेती तो ये फिल्म डेफिनेटली फ्लॉप होती, लेकिन इस मूवी के बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल रही और बहुत जल्द कल की फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, यार तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तू तो कुछ भी कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने हर वीडियो रिसर्च करने के बाद ही बनाता हूँ। एक और बात, प्रभास के फैंस भी उन्हें बाहुबली, सलार और कल्कि जैसी फिल्मों में देखना चाहते हैं, ना कि राधेश्याम और आदिपुर जैसी फिल्मों में। वेल दोस्तों क्या कल्कि फिल्म का VFX हॉलीवुड की मूवीज को टक्कर दे सकती है या फिर नहीं, और इस फिल्म का पार्ट 2 आना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इन दोनों वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कीजिए।